हेलो, हाय दोस्तों, नमस्ते. स्वागत है आपका शशि की रसोई में. और मैं आज आपके लिए लाई हूँ पालक और मेथी का साग बनाना. यह कैसे बनता है, इसमें क्या क्या सामग्री पड़ती है, आइए मैं ये आपको बताती हूँ. देखिए, ये पालक और मेथी है, और ये मेथी है अलग से, और ये ताज़ा ताज़ा पालक लाए हैं हम, और इसका मैं साग बनाऊंगी. अब इसे पहले हम बारीक बारीक काटेंगे और फिर उबालेंगे इसको. उबाल के फिर इसे कैसे बनाना है ये मैं आपको बताऊंगी. इसे पहले बारीक करके काटूंगी और फिर इसे उबालेंगे. चलो देख, इसे उबालती हूँ. देखिए, ये साग हम उबाल रहे हैं. इसे हम कम से कम 10 मिनट उबालेंगे. फिर इसे मैं पीस के और इसका साग बताऊंगी कैसे बनाना है. अभी हम इसे ढक देंगे ढक्कन से. देखिए, ये उबल चुका है और अच्छी तरह से पक चुका है. अब मैं इसे थोड़ा ठंडा होने पे इसे पीस के फिर फ्राई करना बताती हूँ. देखिए, ये साग उबल के मतलब पक चुका है. ये हमारे ये ग्रेवी बन गई है. अब इसे मैं फ्राई करती हूँ. आइए देखिए, कढ़ाई हो गई गरम. ये डाला सरसों का तेल. हमने डाला सरसों का तेल. अब देखिए तड़के में क्या क्या डालूंगी. देखिए, तेल गरम हो रहा है और ये तड़के में देखिए थोड़ा सा जीरा, ये साबुत धनिया, लाल मिर्च, और ये हींग, ये दालचीनी का पत्ता, और ये हींग, और ये थोड़े थोड़े मसाले, ये धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, मिर्च और हल्दी. आइए, तेल गरम हो गया है. अब इसमें तड़का डालें. देखिए, पहले डालेंगे हम थोड़ा धनिया, जीरा सॉरी, और ये धनिया. ये डाल देंगे थोड़ी सी ही. इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पहले ये टमाटर. टमाटर पक रहा है, डालेंगे इसमें थोड़ा सा ये अदरक लहसुन का पेस्ट. अब इसी में हम डाल देंगे मसाला, थोड़ा सा नमक. पहले हम डालेंगे थोड़ा सा पानी. टमाटर गल गया. अब डालेंगे इसमें नमक, सारा मसाला डाल देंगे. देखिए, टमाटर गल गया अच्छे से. मसाला थोड़ा पकने देंगे. मसाला हमारा ये बिल्कुल पक चुका है, तेल ऊपर आ चुका है. और ये साग हमेशा सरसों के तेल में बनाना चाहिए. ये देखिए, अब मैं ये डालूंगी पिसा हुआ ये साग इसके ऊपर. देखिए, अब इसे हम 5 मिनट पकने देंगे. और अगर आपको ऐसे ही पसंद है तो ठीक है, ये वैसे साग ऐसी है. इसमें अगर आप थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए, वैसे तो ये साग वैसे ही बहुत अपना स्वाद है इसका. और अगर इसमें और गाढ़ा करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा बेसन या आटे का घोल डाल सकते हैं. एक चुटकी बेसन या आटा डाल सकते हैं, मगर मैं इसमें थोड़ा सा आटा डालूंगी. थोड़ा सा, एक चुटकी बेसन नहीं डालूंगी, आटा डालूंगी. देखिए, पक चुका ये है. थोड़ा सा आटा के घोल ये बनाया मैंने, थोड़ा सा एक चुटकी आटा घोल ये डालूंगी. देखिए, अब इसे हम 5 मिनट और पकाएंगे. देखिए, ये हमारा साग अच्छी तरह से पक चुका है. अब हम गैस की फ्लेम कर देंगे बंद. अब आप इसे गर्मा गर्म साग, ये पालक और मेथी का साग, इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दिया हरा, अब इसे आप गर्मा गर्म रोटी या चावल के साथ परोसिएगा. बताइए दोस्तों कैसा लगे वीडियो, और जरूर ट्राई कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा.
धन्यवाद।